से आए हुए हमारे जो जिम्मेदारान है वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अभी हमने सब लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया है, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से जीने का हक मांग रहे हैं, हक जिंदा रहने का हक मांग रहे हैं। सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, होम मिनिस्टर ने लास्ट मंथ ऐलान किया था कि हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं 225 रुपया दिन का, 100 रुपया महाना, 500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया महाना आप यहाँ के डेली वेजर कैजुअल लेबर को दे रहे हैं, ये कौन सा मिनिमम वेज एक्ट है? अगर आपने जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया तो यूटी के कानून यहाँ पे लागू होने चाहिए, यूटी की रेट यहाँ पे लागू होनी चाहिए। कहाँ पे रेट लागू की गई है? 2004 साल पहले वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो मामला हल नहीं हुआ। अभी तक वो ऐलान
जमीनी सतह पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम सरकार से मिनोरिटी एक्ट का और रेगुलराइजेशन का, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन का, सीजनल लेबर्स की यूटिलाइजेशन सर्विस थ्रू आउट ईयर क्या मुतालबा कर रहे हैं, और जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं उनके हवाले से हम मुतालबा कर रहे हैं उनके अफराद खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है, हम अपने प्रोग्राम को जारी वसारी रखेंगे और तब तक इसमें शिद्दत वजूद से काम करते रहेंगे जब तक हमारा एक एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता।